नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स में, जहाँ पे 11, 12 और बीए की आर्ट्स की सभी विषयों की पढ़ाई होती है। और साथ साथ आप हमारे के यहाँ सीयूटी या क्लैट की भी तैयारी कर सकते हैं एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो अभी बच्चों, आप लोगों को हम क्या सिखला रहे हैं? अभी हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन सीख रहे हैं, और उसके पहले रैंक आपको कोरिलेशन भी बताए थे। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हमने पिछले क्लासों में सीखा था कि जब रैंक दिया रहेगा, है ना, और दूसरा था जब रैंक दिया हुआ नहीं रहेगा, और तीसरा है कि जब रैंक इक्वल रहेगा। ये बातें हैं। तो चलिए मैं आप सभी को पुनः बता दूं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना पाएँ। शेयर नहीं करें तो कम से कम लाइक कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बताए जाते हैं, तो आने वाला कल में और भी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मैं पुनः देखता हूँ कि जब आप रैंक हमारा नहीं दिया होता था या रैंक दिया होता था, तो हम लोग किस तरह का फॉर्मूला उपयोग करते थे? आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और एन क्यू माइनस एन, जहाँ पर एन क्या होता था? नंबर ऑफ आइटम होता था। अब जब हमारा इक्वल रैंक रहेगा तो आर के मतलब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, 1 माइनस 6 देखिए सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 और m1 प्लस 1/12 m2 भाई ब्रैकेट बंद अपॉन क्या हो जाएगा? nq माइनस n। थोड़ा सा भयानक देखने में लग रहा है, लेकिन भाई याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका हो गया कब इस फॉर्मूला को उपयोग करेंगे, जब when ranks are equal तभी सुपर करेंगे, और when ranks are given और not given तब इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी हमको इसकी जरूरत है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए फिर क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, क्वेश्चन है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज इंडिकेटेड बाय 8 आंसर बुक, एज इंडिकेटेड बाय 8 आंसर बुक ऑफ ईच ऑफ टू एग्जामिनर, ऑफ ईच ऑफ टू एग्जामिनर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के लिए हम लोग कहाँ आते हैं? बोर्ड पे आते हैं। ये सब याद हो गया होगा, बहुत बार लिखाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला सारा का सारा याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ से। देखो 8 है तो 1 लेते हैं, 2 है तो 2 हम बनाते हैं कॉलम पहले, तो इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया है। अब एक इकोनॉमिक्स है और एक क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो है ना, जैसे आप मान लीजिए इसमें इकोनॉमिक्स लिखिएगा, इसमें स्टैटिक्स लिखिएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला को हम x मान लेते हैं और स्टैटिक्स वाला को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको बनाने में आसानी हो। कि आप इसमें इकोनॉमिक्स इसमें स्टैटिक्स लिख भी सकते हैं। 8 लोग हैं तो 8 1 2 बना लीजिए, 3 4 5 6 7 8। अब इसमें इसे क्वेश्चन दिया रहेगा इतना, पहले जो दिया है उसको भर लेते हैं। 15 10 20 15 10 20 28 12 10 16 और 18। उसके बाद आपका दिया हुआ है ये हो गया इकोनॉमिक्स में, एक स्टैटिक्स में दिया हुआ है 16
सिक्सटीन फोर्टीन टेन, सिक्सटीन फोर्टीन टेन, ट्वेल्व एलेवेन, फिफ्टीन एटीन और ट्वेल्व, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इतना ही दिया रहेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप निकालते थे ना, एक आर वन एक आर टू, तो दो बना लीजिए फिलहाल, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। दो बना लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे डी डी इक्वल टू क्या निकालते हैं, आर वन माइनस आर टू, ये भी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, डी स्क्वायर निकाल लेंगे, ये सब हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अधिक मार्क्स किसका है, देखिए आप लोग, सबसे अधिक मार्क्स, जिसका अधिक मार्क्स होगा उसको रैंक वन देंगे। तो 28 को है सबसे अधिक मार्क्स, ठीक है, 28 को है क्या सबसे अधिक मार्क्स, इसको वन देते हैं। उसके बाद क्या है, देखो 20 है उसके नहीं कोई है, तो दो इसको देंगे। उसके बाद 20 के बाद देखिए 19 है, 19 नहीं 18 है, तो इसको रैंक थ्री दे देंगे। देख रहे हैं, रैंक थ्री दे देंगे। 18 के बाद 17 होना चाहिए, नहीं है 16 है, तो इसको फोर दे दीजिए। उसके बाद क्या है, 14 है, 16, 16 के बाद 15 है, इसको पाँच दे दीजिए। 15 के बाद 12 है, तो इसको छः दे दीजिए। और उसके बाद 12 के बाद 10 है ना, 12 के बाद यानी 6 तक हो गया, तो यहाँ 7 होगा और यहाँ क्या होगा 8 होगा। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं, ए वाला क्या है, इक्वल है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ देख लो 7 है, यहाँ पर 8 है। इसको करना क्या है, ऐसा कीजिए 7 प्लस 8 2 है, तो 8 7 15 बटा 2 कितना कर लोगे, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है बेसिकली इसका कितना देंगे हम लोग, समझ गए, इसको करेंगे 7.5, इसको करेंगे 7.5, समझ गए कि यदि इक्वल रहेगा तो इस तरीके से कर लीजिएगा। उसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, किसमें, वाई वाला, मतलब सबसे अधिक किसका दिया हुआ है, देखो 18 का वन है, 18 के बाद क्या है 17 है नहीं 16 है, तो दो इसको दे दीजिए। 16 के बाद 15 है, 15 है तो 3 दे दीजिए। 15 के बाद 14 है तो 4 दे दीजिए। 14 के बाद 12 है तो 5 दे दीजिए। 12 के बाद फिर 5 15, देखिए 12 12 5 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ए वाला बराबर है, तो कर लीजिए वही 5 प्लस 6 बटा 2, तो 11 बटा 2 कितना हो जाएगा 5.5, तो यहाँ लिख दीजिए क्या 5.5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 5 6 तक हो गया, अब क्या होगा, जो देख रहे हैं कि जो यहाँ तो 12 हो गया, अब देखिए 7 होगा, 7 ये हो जाएगा 11, 8 हो जाएगा, इस तरह से देख निकाल लीजिए, समझ गए कि जब इक्वल रहे कैसे निकालेंगे। बाकी सारा का सारा काम वैसा ही है जैसे आप पहले करते थे। तो डी इक्वल टू क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू आर वन माइनस आर टू निकाल लीजिए। तो डी इक्वल टू निकालना है आर वन माइनस आर टू, तो देखिएगा क्या आएगा, निकालो आर वन माइनस आर टू, तो देख रहे हैं 3 आ रहा है, 7.5 में चला गया तो 3.5 बचेगा, ठीक है। बनाइए 3.5 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, घटा रहे हैं 2 माइनस 8 तो -6 होगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, -4 नहीं, यहाँ 4.5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, डी स्क्वायर कर लेना है, डी स्क्वायर की सॉल्व कीजिए, 3 तिया का 9 हो जाएगा, है ना, 3 तिया के 9, फिर
बारह पॉइंट टू फाइव, छः चौके छत्तीस, उसके बाद आएगा बीस पॉइंट टू फाइव, उसके बाद वन है, फिर आपका है बी आपका जो है बीस पॉइंट टू फाइव है, नौ है, उसके बाद कितना है सिक्स पॉइंट टू फाइव है, समझ गए, हम पहले से किए हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ लिखिएगा सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका है वन वन फोर, वन वन फोर, समझ गए, वन वन फोर है, इस तरीके से बनाते हैं। अब देखो ये जो फार्मूला है आर के, क्या फार्मूला है बताए थे, वन माइनस, आराम से देखिए फार्मूला क्या है, वन माइनस सिक्स ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेल्व और एम वन क्यू माइनस एम वन प्लस वन बाई ट्वेल्व एम टू क्यू माइनस एम और अपॉन क्या लिए थे एन क्यू माइनस एन। तो एम क्या है, नंबर ऑफ इक्वल आइटम इन सीरीज वन, तो सीरीज वन नंबर ऑफ इक्वल आइटम कितना है, दो है, तो एम वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और नंबर टू में भी इक्वल आइटम क्या है, टू है, एम टू भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। एन कितना है तुम्हारा, नंबर ऑफ आइटम आठ है, सब मिल गया, तो अब क्या करना है सिर्फ सोल्व कर दीजिएगा, तो वन माइनस सिक्स, तो एक कितना आया है 114 है, प्लस वन बाई ट्वेल्व है, एम वन कितना है बाबू, टू है, तो टू का क्यू कर लो, माइनस टू कर लो, प्लस वन बाई ट्वेल्व, क्या कर लो कि टू का क्यू माइनस टू बंद हो जाएगा, और आठ का क्यू माइनस आठ, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लीजिए, वन माइनस ऐसे है, वन माइनस ए सब आर के है ना, आर के इक्वल टू, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसको सोल्व कर लीजिए, आई थिंक आपसे सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा, आपका 0.36 आएगा, माइनस 0.36, माइनस 0.36, आई थिंक अब ये बन जाएगा, सिंपल है कैलकुलेशन, ऐसे करना है, एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं, द्वितीया यानी आठ हो जाएगा, आठ माइनस दो हो जाएगा, है ना, आठ माइनस दो छः हो जाएगा, फिर सोल्व कर लीजिएगा इतना वैल्यू आपको आएगा, ठीक है। तो हमने रैंक तीनों मेथड से बताया है, अब किसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछा अभी, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसमें अलग अलग मेथड है, आप इस पुस्तक से प्रैक्टिस करें, मैं आपको पुस्तक बता देता हूँ, एस पी गुप्ता वाले एक पुस्तक है, मैं जरा दिखा दूँ, देखिए इस पुस्तक में बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को हम लाइव बताएंगे, और इस क्वेश्चन इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, या इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, या और बहुत सारी बुक्स है जो आपको अच्छा लगता है बनाइए, बी एन गुप्ता वाले ग्रुप में भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन दिया हुआ है, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे बनाइए, सब क्वेश्चन बनेगा, धन्यवाद।